अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। तो जी, हमने इफ्तार कर लिया है, अब हम चले डिनर के लिए। ब्रॉड पे पिज़्ज़ा की जो बहुत ज़बरदस्त डील लगी हुई थी, रमज़ान के लिए स्पेशली डील लगी है, तो हम पहुँच गए जी ब्रॉड पे पिज़्ज़ा। ब्रॉड पे पिज़्ज़ा की जो है डील लगी हुई थी, रमज़ान डील। ये डील क्या थी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल इन्फो। फ़िलहाल आप चेक करें यहाँ का एम्बियंस है, छोटा सा रेस्टोरेंट ये ब्रॉड पे पिज़्ज़ा का, लेकिन इसे जो है शानदार तरीके से जो है डेकोर किया गया है। एम्बियंस अच्छा है यहाँ का, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छी लगी, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और ये रही जी मेरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, और इमरान खान जो है कराची आए हुए थे, उनका जलसा हो रहा था। इमरान खान हर जगह छाए हुए थे कराची में। तो जी, जिस डील की मैं बात कर रही थी, रमज़ान डील, वो ये है। ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दी थी, हमें जो 15 मिनट्स लगे थे, हमारा ऑर्डर जो है सर्व कर दिया गया था। रमज़ान स्पेशल ब्रॉड पे पिज़्ज़ा की डील मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। ये थी जी डील, 1699 की डील थी। मिनी पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा विथ कोल्ड ड्रिंक, गार्लिक ब्रेड, केक। तो जी, सबसे पहले हमें जो है गार्लिक ब्रेड सर्व किया गया, और देखिए जी सब टूट पड़े, और मेरे हाथ में सिर्फ ये गार्लिक ब्रेड लगी है, और बहुत ही मज़े की थी। गरम गरम गार्लिक ब्रेड थी ये, और गार्लिक सॉस साथ दी गई थी। तो जी, गार्लिक ब्रेड को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ जब भी मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, लेकिन यहाँ का गार्लिक ब्रेड गर्मा गर्म बहुत ही फ्रेश था, तो बहुत ही मज़ा आया इसे टेस्ट करके। हाजिर है डील के मुताबिक एक लार्ज पिज़्ज़ा है और एक मिनी पिज़्ज़ा। अब ये आप पर है कि आप कौन सा फ्लेवर चॉइस करते हो। हमने जो है चिकन फजीटा और जो है डांसिंग फजीटा ऑर्डर किया था, साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक है, लावा केक। बहुत ही बेहतरीन सी फैमिली डील है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा जी। दोनों पिज़्ज़ा हाज़िर हो गए हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि कस्टमर सर्विस इनकी बहुत ही बेहतरीन है। तो जी, पिज़्ज़ा फ्लेवर की बात करें तो पिज़्ज़ा फ्लेवर जो इन दोनों पिज़्ज़ा का था बेहतरीन था, लाजवाब था, बहुत ही यम्मी था। ना ज़्यादा हार्ड क्रस्ट थी, ना ज़्यादा थिन थी, बहुत अच्छे से इसे बेक किया गया था। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा टॉपिंग और चीज़ थी, जो कि पिज़्ज़ा का फ्लेवर जो है काफ़ी बढ़ा दिया था पिज़्ज़ा टॉपिंग और जो चीज़ ने। तो जी, गार्लिक ब्रेड और दो पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से हमने इंजॉय कर लिया था। अब जो है हम वेट कर रहे थे लावा केक का, देखते हैं लावा केक कैसा टेस्ट होता है इसका। तो जी, फाइनल इंतज़ार ख़त्म हुआ, लावा केक हाजिर है, अब इसे हम ट्राई करेंगे। तो जी, केक लावा से जो है अब चॉकलेट लावा निकल आया है, लेकिन जब हमने इसे टेस्ट कराया हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, बहुत ओवर कुक्ड लगा। खैर, जो हमने लावा केक को भी थोड़ा बहुत जो है हमने टेस्ट कर लिया था, कहीं इसको बुरा ना लग जाए कि हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। जब बहुत जज्बाती हो गया और जो है तबाही शुरू कर दी थी इन्होंने, तो हम बस चले। हम डील काफ़ी अच्छे से हमने इंजॉय कर ली थी, फैमिली डील है ये, रमज़ान डील, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छी फैमिली डील लगी, हमें फैमिली ने तो काफ़ी इंजॉय करा। आप भी आएँ, विज़िट करें, और अगर जिसने विज़िट कर लिया तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, ब्रॉड पे पिज़्ज़ा की काफ़ी जो है ब्रांचेस हैं, हम जिस ब्रांच में गए थे वो थी DHA Phase 6। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, रमज़ान डील ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।